नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको अलवर के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी रोचक जानकारी बताएंगे जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। ये कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। अरावली पर्वत पर बने बाला किले जाने के मुख्य रास्ते पर शहर के सागर के पास रियासत काल में बनी मूसी महारानी की छतरी अलवर के मुख्य पर्यटन स्थलों में शामिल है। इसके अलावा ये शहरवासियों की आस्था का केंद्र भी माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ बने मूसी महारानी और राजा बख्तावर सिंह के पगलियों को पानी से धोकर अगर उस पानी को शरीर पर लगाया जाए तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। पहाड़ की तलहटी में बने इस स्मारक के पास ही एक सागर है जहाँ रियासत काल में राजा नौका विहार करा करते थे। हालांकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि आखिर मूसी महारानी कौन थी और वो राज परिवार का हिस्सा कैसे बनी, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। मूसी महारानी की छतरी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इसके आंतरिक भाग की छत को सुंदर पौराणिक चित्रों से सजाया गया है। इस स्मारक की एक विशेषता है कि पूरी छतरी बलुआ पत्थर के स्तंभों पर टिकी है। सूर्यास्त के समय इस दो मंजिला इमारत की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। स्मारक के ऊपरी भाग में चबूतरे पर राजा और रानी के पद चिन्ह भी बनाए गए हैं। मूसी महारानी की छतरी को महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी की याद में उस समय के राजा विनय सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है कि मूसी महारानी महाराज से उम्र में काफी छोटी थी जो महाराज बख्तावर सिंह की चिता पर सती हो गई थी। छतरी के ऊपरी भाग में कृष्ण लीला के भाव और महाराज बख्तावर सिंह का हाथी पर सवारी का चित्रण भी किया गया है, जबकि छतरी को रंग बिरंगे कलाकृतियों से सजाया गया है। तो दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे उस विवाद के बारे में जो मूसी महारानी के कारण हुआ था। का स्वागत है। चलिए आपको बताते हैं उस विवाद के बारे में जिसके डिस्कशन में हमने आपको पहले बताया था। राज परिवार से जुड़े नरेंद्र सिंह का कहना है कि जिले नौगावा के पास स्थित रघुनाथगढ़ में रियासत काल के दौरान ग्रामीणों में एक विवाद हुआ था और विवाद की वजह मूसी महारानी और उनकी मां थी। इसके बाद राजा के सैनिक मूसी और उनकी मां को अलवर लेकर आए। हालांकि उस समय मूसी महारानी की उम्र काफी कम थी, लेकिन वो बहुत सुंदर हुआ करती थी। यहां मूसी और उनकी मां का गाने बजाने का एक कार्य दिया गया उन्हें, जो विभिन्न अवसरों पर राजदरबार में नृत्य और गायन की प्रस्तुतियां देना होता था। जब मूसी बड़ी हुई तो महाराज बख्तावर सिंह ने उनसे विवाह कर लिया। हालांकि दोनों की उम्र में काफी अंतर था और कालांतर में महाराजा की मौत हो जाने पर मूसी महारानी उनकी चिता पर लेटकर सती हो गई थी। मूसी महारानी की छतरी अलवर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल होने के कारण दुनिया भर के पर्यटक यहाँ की वास्तुकला को देखने आते हैं। ऐतिहासिक सागर के पास निर्मित इस स्मारक पर पर्यटन विभाग और प्रशासन की ओर से विभिन्न आयोजन भी कराए जाते हैं, जबकि मत्स्य उत्सव में भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपने यहाँ पर भ्रमण किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आपके दिमाग में या दिल में कोई टॉपिक है या कोई सुझाव है हमें देने के लिए जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आपके सुझाव को हम आमंत्रित करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आप लिखिए कॉमेंट बॉक्स में, बताइए किस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। अगर वो सुझाव हमें पसंद आया तो उस पर हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।